गुड इवनिंग दोस्तों, ये चीज़ें कई बार पढ़ने में आई और थिंकिंग तो चलती ही है, थॉट प्रोसेस। कई बार पब्लिक ओपिनियन एंड पर्सनल परफॉर्मेंस, इसके बारे में सोचते सोचते मैंने कई बार देखा, एक स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में बन रहा था, लेकिन मुझे ध्यान आया कि पब्लिक में जनरली लोग कहते हैं ऐसा ट्रेंगल। अरे यार, ट्रेंगल के बारे में क्या समझते हो तुम? लोगों से पूछता, लेकिन ये बेकार की बात थी, क्योंकि ट्रेंगल ही नहीं मालूम है। ट्रेंगल पूछे तो बोले वो तीन कोण वाला, ट्राइंगल। तीन कोण, कोण क्या होता है? वही खुश हो जाते, हो सकता है उनसे कुछ बता देते, लेकिन मुश्किल है बता पाते है कि उसमें एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, कितने तरह के एंगल होते हैं, मुश्किल है। यहाँ तो आके बैठ जाते, हो सकता है कोई एक बता देता उनमें से कि राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। स्कैंडली सच काइंड ऑफ पीपल आर फाउंड इन द सोसाइटी, वेरी लिटिल नॉलेज, वेरी लो मेंटल स्टेटस, बट ओपिनियन। कभी कभी हंसी आती है ऐसे लोगों के बारे में, तो मैंने सोचा और पढ़ता हूँ। काफ़ी बार बार आता था ये सारा का सारा, अभी पिछले वीक अचानक से दिमाग में आ गया वो ट्रायंगल एंड क्वाड्रेंगल। तो एकदम से दिमाग में आया कि क्वाड्रेंगल पर हमेशा डूअर है, मिस परफॉर्मर है, तो वही ट्रायंगल पर क्या है? ओपिनियन लोगों के लिखे थे मैंने, तब समझ में आया कि क्या बनाना है। सो इन दिस वे आई हैव टाइटल्ड माय वीडियो, टुडेज वीडियो एज मोटिवेटेड और डिमोटिवेटेड पीपल एंड योर राइट्स। आपके क्या राइट्स हैं, उनके ओपिनियन, मोटिवेटेड डिमोटिवेटेड पीपल के, लोगों के। तो यहां पर ये जो अंडरलाइन किया हुआ है येलो से, ये पार्ट मोटिवेटेड और डिमोटिवेटेड पीपल का है, लोगों का है, ये यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। और इसके बाद यहाँ ये योर राइट्स, ये चल कर आता है ऐसा लाइन, और ये डॉटेड लाइन के बाद ये एरो इधर आ रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट ये आपके राइट का है, मींस परफॉर्मेंस राइट। सो लेट मी बिगिन विद सम पीपल यू मीट में लाइक यू, उनकी लाइकिंग पे आया ये एक्चुअली। सम पीपुल यू मीट में लाइक यू, आपको पसंद कर सकते हैं, लेकिन बट कैन बी मिसगाइडेड टू डिसलाइक यू, वो मिसगाइड हो सकते हैं डिसलाइक करने के लिए, आपको डिसलाइक करने के लिए किसी ने मिसगाइड कर दिया हो। तो एक क्वेश्चन वहां आपके मन में आता है कि वाई दे कैन बी मिसगाइडेड, ऐसे लोग वाई दे कैन बी मिसगाइडेड, मिसगाइड क्यों हो सकते हैं? सीधी सीधी बात है, उनमें अपनी बुद्धि नहीं है। सेकेंड पॉइंट, सम पीपुल यू मीट डिसलाइक यू, कुछ लोग जो आपसे मिलते हैं वो आपको डिसलाइक करते हैं, वो एक्चुअली ट्रायंगल के इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर। सम पीपुल यू मीट डिसलाइक यू, कुछ लोग जिनसे आप मिलते हैं वो आपको डिसलाइक करते हैं, वो वहां एक क्वेश्चन आपके मन में आता है कि वाई दे मीट यू, वो आपसे मिलते ही क्यों है? मिलने में कॉन्स्पिरेसी है क्या? मिलेंगे और आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे, डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन यहां प्रोमिनेंट हो गए। अब तीसरा एंगल बचाया है अभी सामने वाला, उस एंगल पर वो लोग रखे हुए हैं, यू कैन कन्विंस सम पीपल टू लाइक यू, जिनको आप अपना परफॉर्मेंस बताकर कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपको लाइक कर रहे हैं। तो अब ये भी बात उन्हीं के ऊपर है, why they need to be convinced, उन्हें ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि उन्हें कोई कन्विंस करे। मतलब ये दोनों बता रहे हैं कि उनमें अपनी बुद्धि नहीं है, और ये बता रहा है कि वो मिसगाइडेड क्यों हैं। मतलब तीनों बातें ये बता रहे हैं कि बुद्धि से खाली हैं वो लोग, यू आर नॉट सपोज टू बदर बट मच अबाउट देम। नाउ दिस पार्ट ऑफ योर राइट, अब देखिए आप, या यहां आप क्वाड्रेंगल पर हैं, उसमें से भी एक पॉइंट आपने उनके लिए छोड़ दिया कि चलो दो अपना ओपिनियन। सो नंबर फर्स्ट पॉइंट,
फर्स्ट मैंने मिस टॉप एंगल ऑफ द क्वाड्रेंगल वी आर राइडियस टू डू एज टू व्हाट वी एंड व्हाई एंड हाउ व्हाट व्हाई एंड हाउ वी ऑट टू डू. लेट मी रिपीट इट, थोड़ा सा पढ़ने में गलती हो गई, सॉरी. नंबर वन, वी आर राइडियस टू डू एज टू व्हाट व्हाई एंड हाउ वी ऑट टू डू. हमें अधिकार है कि हम क्या करें, क्यों करें और हाउ यानी कैसे करें. साथ साथ एक चीज हो रहा है, हाउ मतलब कितना करें, हाउ मच भी है उसमें. सो लेट मी रिपीट इट, वी आर राइटियस टू डू एज टू व्हाट व्हाई एंड हाउ वी ऑट टू डू. हम क्या करें, क्यों करें और कितना करें और कैसा करें, कितना करें कैसे करें. आप प्रोमिनेंट हो गए. अब सेकंड उनको दे दिया, चलो. अदर्स आर राइटियस टू एक्सप्रेस देयर व्यूज. अब कोई क्वेश्चन नहीं है, सीधे सीधे एक बात मान ली कि उनको अधिकार है कि वो अपना व्यू देते रहे. ओके ओके दो. अदर्स आर राइटियस टू एक्सप्रेस देयर व्यूज. ये आएंगे इस पॉइंट पर, सॉरी मैं एरो नहीं लगा पाया, ये आएंगे इस पॉइंट पर. दो नंबर उनको दे दिया, दो नंबर के लोग हैं, कभी कुछ भी करके किसी के लिए खुश हो जाते हैं, किसी के लिए दुखी हो जाते हैं, किसी के लिए एरोगेंट हो जाते हैं. ये दो नंबर के लोग हैं, दो नंबर के लोग कुछ भी कर सकते हैं. ओके, थर्ड वन, टॉप एंड बॉटम एंगल. वी आर राइटियस टू स्पीक समथिंग और कीप साइलेंस ऑन देयर व्यूज. वो अपने व्यू देते रहे, इनके ठीक बात है अपने व्यू. अब We are righteous to speak something or keep silence on their views. उनके views पर हमारी मर्जी है, हमें बोलना होगा तो बोलेंगे, नहीं बोलना होगा तो keep quiet and do as you please. Do as to what, why and how. ये यहाँ पर भी आ जाएगा. अब चौथा point जो कि आपका है, righteous point है, what others speak about us doesn't decide what we are. जो लोग दूसरे जो हमारे बारे में कह रहे हैं, वो उनका कहना, उनका मैटर वो डिसाइड नहीं करता कि हम क्या हैं. हम क्या हैं तो हमें मालूम है, करते रहिए काम. आप क्वाड्रेंगल पर हैं, वो बोलने वाले ट्रेंगल पर हैं, ट्रेंगल पर भी वो है तो वहां भी आप प्रोमिनेंट हैं. पीपुल मे लाइक यू बट कैन बी मिसगाइडेड. या ये ऐसे, या दूसरा, या वो तीसरा, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है. आज मैं थोड़ा पीछे और हट गया हूँ ताकि सब कुछ क्लियर दिखाई दे, जो गलती अभी तक कर रहा था, धीरे धीरे सुधर जाऊंगा. आदत पड़ गई तो इसी पॉइंट पर आ जाऊंगा. सो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है उनके बारे में, उनके लिए तो सिर्फ एक सवाल है. यहाँ भी आप प्रोमिनेंट है. सम पीपुल यू मीट मे लाइक यू बट कैन बी मिसगाइडेड टू डिसलाइक यू. Second one, some people you meet dislike you. Why they meet you? मिलते क्यों हैं? ऐसे तीसरा point. सब आपके सामने है, इसको पढ़िए, देखिए और कमेंट कीजिए. आज कुछ ज्यादा ही enthusiastic होके ये वीडियो दिया. उम्मीद है पसंद करेंगे. मोर नेक्स्ट टाइम. गुड नाइट.